खबर श्रावस्ती से है, जहां पर सीएमओ कार्यालय पर आशा कार्यकर्तियों ने जमकर हंगामा किया। भारी संख्या में आशा कार्यकर्ती पहुंची सीएमओ ऑफिस। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से है, जहां पर पहुंचकर कार्यालय के गेट पर ही आशाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया कि उन्हें न वेतन मिल रहा है और न ही प्रतिपूर्ति मिल रही है। ऐसे में पैसे के अभाव में आशाओं के घर का बजट बिगड़ रहा है। मानदेय मांगने पर बजट न होने का बनाया जा रहा बहाना, ऐसा आरोप लगाया। जब इस बारे में सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आशाओं का धरना समाप्त करा दिया गया है। आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुई हैं? आज हम लोग जो है इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे पांच ब्लॉक हैं इस श्रावस्ती में, पांचों ब्लॉक में जो है फंड वाइज पैसा दिया जा रहा है। जो इस ब्लॉक में आए दूसरे तरीके से, उस ब्लॉक में पांचों ब्लॉक का अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है, वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है। किसी ब्लॉक में फरवरी तक का बता रहे हैं दे दिया है, जनवरी तक का दे दिया है, किसी ब्लॉक में तो अक्टूबर नवंबर तक से ही पैसा नहीं गया हुआ है, एक भी पैसा नहीं गया हुआ है। ये बताइए, जब हमारी आशाएं हमारी संगनी नहीं पैसा पाएंगी तो किस तरह से हम लोग काम करेंगे? और दिन पर प्रतिदिन हम लोग को काम बढ़ाया जा रहा है। हमारे डीएम साहब, हमारे सीडीओ साहब, एक ना एक दिन आज ये काम करना, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप अपने घर से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रही हो तो आप पेट्रोल का खर्चा आपका कहाँ से आ रहा है, आपके खाने का खर्चा कहाँ से आ रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके दवाई का पैसा कहाँ, ये कोई पूछने वाला नहीं है। अधीक्षक द्वारा क्या बताया जा रहा है? अधीक्षक द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग इंतजार करिए, आप लोग पैसा आ जाएगा, लेकिन कहीं भी हम लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। आज हम लोग को मजबूरी में यहाँ तक आना पड़ेगा है, और अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे। सीएमओ साहब से शिकायत की एक बार, अधीक्षक साहब से हम जनवरी में भी मिल चुके हैं। हम उमा मिश्रा जिलाध्यक्ष, मैंने जनवरी में पिछले साल की बात किया था, उन्होंने कहा था आप परेशान मत होइए, पैसा आपको बराबर पहुंच जाएगा, लेकिन आज तक भी पैसा नहीं पहुंचा है। और उनका जो मानदेय था वो पहले भी जा चुका है, जो बचा था वो आज उन्हें दिया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ व आशाओं के बीच काफी देर तक वार्ता भी हुई। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा सीएमओ कार्यालय का एक पूरा मामला है, जहां पर आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं सीएमओ ने उनसे बातचीत कर मामले का सुलह समझौता कराते हुए आशाओं को शांत किया। इस बारे में सीएमओ ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आशाओं के द्वारा ये हमको बताया गया कि इनका भुगतान नहीं हो रहा है। जब हमने अपने डाटा अकाउंट मैनेजर से बात की थी, इनके खाते में पूरे जनपद की आशाओं का 8,36,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है इस वित्तीय वर्ष में। अभी कुछ पैसा स्टेट बजट में इन लोगों का शेष है, जो आज ही भुगतान हो जाएगा। इनके भुगतान के लिए मेरे पास अब कोई बजट नहीं है, जैसे बजट आएगा इनका रेस्ट भुगतान अविलंब कर दिया जाएगा। आपने भी आशाओं से बात भी कर दी है, इनको समझा दिया है, मान गई हैं? हाँ, इन सारी आशाओं को हमने बता दिया है, समझा दिया है, ये इससे संतुष्ट भी। थैंक यू।